हेलो स्टूडेंट मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एस बुलेट पर सो so, आज हम इस सेशन के अंदर सीखेंगे एम के बारे में आज मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ एम की कि एम टी एस जैसे कि आप जानते हो कि कैलेंडर आपका आउट हो चुका है एस का और एम का फॉर्म कब आएगा कब फिल किया जाएगा प्लस आपके एग्जाम कब है क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए दो हज़ार निकालने के लिए इन सब चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे इस सेशन के अंदर अगर हम बात करें इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट फ्लेवर्स बताऊंगी कि एमकेएस में क्या-क्या पूछा जाता है उसके साथ-साथ सैलरी साथ उसके साथ-साथ एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा आपको फॉर्म फिल करने के लिए मिनिमम किस क्वालिफिकेशन की जरूरत है कि आप फॉर्म फिल कर सकते हो चलिएगा स्टार्ट कर करते हैं सेशन को अगर हम बात करें बच्चों सबसे पहले फॉर्म की बात करें तो फॉर्म कब आपके आएंगे एमटीएस के तो आपके सात मई दो हजार चौबीस में फॉर्म भरना शुरू होंगे और जो उसकी लास्ट डेट है वो आपकी 6 जून दो हजार चौबीस है और जो एम टी एस दो हजार चौबीस का एग्जाम होगा आपका वो आपका एग्जाम होगा जुलाई और अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में यानी कि जुलाई और अगस्त में होगा आपका एग्जाम एम टी एस दो हजार चौबीस का अब देखो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आप बच्चों को जानना बहुत जरूरी है सबसे पहले कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर आप एम का फॉर्म फिल करना चाहते हो दूसरा आपकी एज कितनी होनी चाहिए एम के फॉर्म को फिल करने के लिए यानी कि एम का फॉर्म भरने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए और क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए ठीक है देखो अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो एम के लिए केवल आपको टेंथ पास करना जरूरी है यानी कि आप टेंथ पास आउट हो तो आप एम के फॉर्म को भर सकते हो अब इसमें एज की क्या लिमिट है किस उम्र तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो तो इसकी एज लिमिट है आपकी 18 से 25 साल अगर आप एम टी एस हवलदार की बात करें वहां पर और किसमें सी बी एन में और कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनके लिए आपकी 18 से 27 तक है 25 से सत्ताईस यानी कि यहाँ पे अठारह से सत्ताईस साल तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो कि इसमें सी बी आई सी में ठीक है और कुछ पोस्ट है ऐसी एम टी एस की जिसमें आपको अट्ठारह से सत्ताईस साल तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो अगर हम बात करें यहाँ पर कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा या फिर कभी कभी क्या होता है कि हमारी एज ज्यादा है लेकिन क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं बिल्कुल लेकिन उसके लिए अगर आप एस सी में हो ओ में हो या फिर अनरिजर्व ओबीसी पी डब्ल्यू डी ओ बी सी में हो तो वहां पर आपको छूट मिल जाएगी यानी कि एज का रिलैक्सेशन होता है अगर आप बच्चे एस सी एस टी से हैं तो आपको पाँच साल की छूट मिलेगी यानी कि पाँच साल और आपको एज का रिलैक्सेशन मिलेगा आप फॉर्म भरने में और अगर आप ओ बी सी के हो तो आपको तीन साल मिलेंगे और डब्ल्यू अनिजर्व के हैं तो दस साल मिलेंगे पी पीडब्ल्यू ओबीसी के हैं तो तेरह साल और एस सी एस टी पीडब्ल्यू के हैं तो फिर आपको पंद्रह साल ठीक है और एक्स सर्विस मैन के लिए भी है कुछ आपकी एज द रिलैक्सेशन वो है तीन साल आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज ठीक है सो तो ये आपकी छूट है एज के अंदर इन फॉर्म को भरने के लिए चलेगा नेक्स्ट आते हैं अगर हम बात करें एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा कि अ, किन फेजेस को हमें फेस करना पड़ेगा कितने पार्ट में एग्जाम हमारा रिटर्न कराया जाएगा तो दो सेशन होंगे सेशन वन और सेशन टू अब देखो इसमें uh, जो आपके समझने का पॉइंट है वो ये है कि सेशन टू में क्या है और सेशन वन में क्या है यानी कि फर्स्ट सेशन में क्या रहेगा सेकंड सेशन में क्या रहेगा अगर मैं सेशन फर्स्ट की बच्चों बात करूं तो सेशन फर्स्ट में आपका मैथमेटिकल एबिलिटी है और रीजनिंग रहेगा दो सब्जेक्ट आपके सेशन वन में है जिनके नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके जो मैथ्स के होंगे वो भी ट्वेंटी और रीजनिंग के होंगे वो भी ट्वेंटी और यहाँ पर एक क्वेश्चन जो होगा वो आपके कितने मार्क्स का होगा तीन मार्क्स का कितने मार्क्स का होगा तीन मार्क्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके तीन मार्क्स का होगा सो so, पर 20 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हुए 60 मार्क्स के कितने मार्क्स के हुए 60 मार्क्स के मैथमेटिक्स के भी और रीजनिंग के भी रीजनिंग में भी एक क्वेश्चन आपके तीन मार्क्स का है और इसीलिए आपके मार्क्स कितने हो गए आपके 60 यानी कि मैथ्स भी 60 मार्क्स में पूछा जाएगा और रीजनिंग भी 60 मार्क्स में पूछा जाएगा और दोनों के लिए जो क्वेश्चन होंगे वो ट्वेंटी ट्वेंटी क्वेश्चन होंगे अब एक माइंड में एक डाउट जरूर आएगा कि हमें कितना टाइम दिया जाएगा इन सिक्सटी सिक्सटी मार्क्स के क्वेश्चन को करने के लिए तो आपको फोर्टी फाइव मिनट्स दिए जाएंगे फोर्टी फाइव मिनट्स दिए जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर आपको जो टाइम मिलेगा वो फोर्टी फाइव मिनट्स का मिलेगा अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चों सेशन वन के अंदर तो इसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है जो समझने की है कि क्या हमने जैसे कुछ क्वेश्चंस बच्चों को नहीं आते हैं तो क्या हम वहां पर उन क्वेश्चन पे गेस वर्क कर सकते हैं क्या ऐसा तो नहीं है कि गेस वर्क के चक्कर में कुछ हमारे जो सही आंसर्स हैं वो तो नहीं कट जाएंगे यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी नेगेटिव मार्किंग की किसकी बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो सेशन वन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का कि यहां पर सेशन वन में नो नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है नो नेगेटिव मार्किंग दूसरा एक पॉइंट और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो सेशन टू है सेशन सेकेंड जो है ये आपका तभी चेक होगा जब आपका ये होगा आपके जो मेरिट बनेगी वो आपके दोनों के बेसिस पे नहीं केवल सेशन टू के बेसिस पे बनेगी क्योंकि ये जो सेशन वन है ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है क्वालिफाइंग नेचर है इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है लेकिन पहुंचाएगा तो सिर्फ यही आपको यानी कि आपको इसको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है बाकी इसके मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किए जाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना बहुत जरूरी है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना है अब क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कितने क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए तो मिनिमम आपको बारह क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे बारह क्वेश्चन मिनिमम सही करने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए ठीक है और जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके सेशन टू पे बनेगी सेशन टू पे बेसिस पे बनेगी जिसके अंदर आपके दो सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन और दूसरा आपका जर्नल अवेयरनेस ये दो आपके सेशन टू के अंदर है अगर मैं बात करूं इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन की यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन की मैं बात करूँ बच्चों तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे ट्वेंटी फाइव कितने क्वेश्चन होंगे ट्वेंटी फाइव और ये ट्वेंटी मार्क्स के होंगे सेवेंटी फाइव मार्क्स के कितने मार्क्स के सेवेंटी फाइव मार्क्स के अगेन यानी कि एक क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स का है तीन मार्क्स का एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है आपके तीन मार्क्स का और जर्नल अवेयरनेस की मैं बात करूं तो जर्नल अवेयरनेस में कितने क्वेश्चन है आपके ट्वेंटी फाइव कितने क्वेश्चन है ट्वेंटी फाइव और 25 क्वेश्चंस अगेन कितने मार्क्स के 75 मार्क्स के यानी कि यहाँ पर भी एक क्वेश्चन जो होगा वो आपके कितने मार्क्स का होगा तीन मार्क्स का मेरिट लिस्ट आपकी इसी सेशन के बेसिस पे बनेगी बिकॉज़ ये आपका कैसा है क्वालिफाइंग इन नेचर है और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी एक क्वेश्चन एक मार्क गलत हो जाए एक मार्क चला जाएगा आपका हर इनकरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देने पे यानी कि जैसे ये गलत आंसर दिया तो ऐसे ही एक नंबर आपका चला जाएगा यहाँ नेगेटिव मार्किंग है बट ऊपर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर भी वही फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव मिनट्स मिलेंगे आपको चलेगा नेक्स्ट आते हैं पॉइंट पर अब देखो पॉइंट क्या आता है इसका सिलेबस क्या है एम का क्या सिलेबस रहेगा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैथमेटिकल एबिलिटी के सिलेबस की तो ये आपके सिलेबस uh, के टॉपिक है जो आपके सिलेबस uh, में है आपके मैथ्स के वही सेम अगर बात करें परसेंटेज है रेशियो प्रोपोर्शन है यानी कि हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन वर्क एंड टाइम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस एवरेज सिंपल इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट एरिया डिस्टेंस एंड टाइम लाइंस एंड एंगल्स ठीक है और इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल ग्राफ्स एंड डाटा और स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स ये आपके मैथमेटिक्स का सिलेबस है आपके एम का अगर हम बात करें यहाँ पर रीजनिंग में क्या आएगा तो आपके वही अल्फानोमिक सीरीज आएगी कोडिंग डिकोडिंग एनालॉग आएगा सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस पूछे जाएंगे जंबलिंग आएगा प्रॉबल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग ठीक है एनालिसिस और नॉन वर्बल रीजनिंग ये आपके रीजनिंग का सिलेबस है आपके एम के अंदर अगर मैं बात करूँ जर्नल अवेयरनेस की जर्नल अवेयरनेस के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा बच्चों यहां पर आपके क्वेश्चन रहेंगे इंडिया और उसके पड़ोसी देशों से रिलेटेड से भी रहेगा क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के भी रहेंगे आपके कल्चर के भी रहेंगे ज्योग्राफी के भी रहेंगे इकोनॉमिक्स के भी रहेंगे जर्नल पॉलिटी भी रहेगी ठीक है जिसके अंदर आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है ये सब आपके जीए और जी के का पार्ट है ठीक है ये जीए और जीके का पार्ट है आपके एमचेस के सिलेबस के अंदर अब आते हैं हमारे इंग्लिश में इंग्लिश में क्या सिलेबस है आपके एमचेस का तो अगर हम इंग्लिश की बात करें इंग्लिश में आपका एरर डिटेक्शन सेंटेंस इंप्रूवमेंट कलर्स अगर मैं इन तीनों क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ पर आपको कंप्लीट ग्रामर की जरूरत पड़ेगी इन क्वेश्चंस को करने के लिए चाहे आप एरर डिटेक्शन करना चाहते हो चाहे आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना चाहते हो फिलर्स करना चाहते हो वही आपका टेंस क्वेश्चन टैग कंडीशनल सेंटेंसेस, नाउन, प्रनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब आर्टिकल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका वॉइस नरेशन अगर मैं बात करूँ तो वॉइस और नरेशन आपके एम में डायरेक्ट कन्वर्जन बेस्ड नहीं आता तीन टॉपिक ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में एम में नहीं आते एक आपका एक्टिव पैसिव वॉइस एक्टिव और पैसिव वॉइस ये आपके सिलेबस में नहीं है एम के दूसरा डायरेक्ट इन डायरेक्ट आपके एम के एग्जाम में नहीं पूछा जाता डायरेक्ट इन डायरेक्ट और तीसरा आपका पैराजंगल पैराजंगल ये आपके एम के एग्जाम में नहीं आते ये तीनों आपके एम के एग्जाम में नहीं आते एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट कन्वर्जन वेस नहीं आते बट इनडायरेक्ट वे में आपके अरर डिटेक्शन में पूछे जाते हैं ठीक है इनडायरेक्ट वे में आते हैं डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं पूछता आपसे कि चेंज इन टू पैसिव वॉइस चेंज इन टू एक्टिव वॉइस चेंज इन टू इनडायरेक्ट स्पीच चेंज इन टू डायरेक्ट स्पीच इस तरह के क्वेश्चन आपके एमचेस में नहीं पूछे जाते और यानी कि पी क्यू आर एस ए बी सी डी वाला जो सिक्वेंस में लगाना होता है एक सही क्रम में लगाना होता है ग्रामेटिकली वो भी आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता ठीक है इसके अलावा आपके एग्जाम में स्पेल टेस्ट आता है दोनों टाइप से पूछता है करेक्ट स्पेलिंग भी पूछेगा आपसे और इनकरेक्ट स्पेलिंग भी पूछेगा दोनों टाइप से स्पेल टेस्ट आता है एंटोनियम आपके अपोजिट वर्ड्स और सिनोनियम मतलब सिमिलर वर्ड वन वर्ड आता है कि आपको एक सेंटेंस को एक वर्ड में बोलना है कि क्या बोलेंगे आप बच्चे एंड एंड फ्रेजेस वही मुहावरे वगैरह और कॉम्प्रीहेंशन एंड क्लोज टेस्ट ये आपके एग्जाम में इंग्लिश का सिलेबस है ठीक है अब पॉइंट आता है कि uh, किस तरह से हम इस सिलेबस को कवर करें किस तरह से हम इस सिलेबस को कवर करें तो देखो बच्चों पॉइंट क्या है इसमें आप थोड़ा सा समझ लेना इसके लिए क्लासेस आप ले सकते हैं यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं आपकी एस एस बुलेट पे इंग्लिश की दो क्लासेस चलती हैं एक चलती है आपकी साढ़े बारह बजे ये आपकी लाइव क्लास है और एक लाइव क्लास चलती है आपकी थ्री फिफ्टीन पर ये भी आपकी लाइव क्लास है डेली बेसिस पे आप लाइव क्लास को लें और वो कैप की जो क्लास है वो रात को साढ़े नौ बजे चलती है ये क्लास केवल तीन दिन चलेगी थ्री डेज इन अ वीक एक वीक में तीन दिन चलती है वो कैप की क्लास इसके अलावा आपकी रिकॉर्डेड uh, क्लासेस आपको मिलती हैं इवनिंग में छः बजे मिलेगी आपको छः बजे क्लास मिलेगी आपको टेस्ट के लिए आप अपने टेस्ट वाले पार्ट को अच्छा कर सकते हैं ठीक है और ग्रामर वाले पार्ट के लिए मॉर्निंग में नौ बजे क्लास होती है गोल्डन रूल की गोल्डन रूल की क्लास होती है मॉर्निंग में क्लास होती है गोल्डन रूल की ठीक है मॉर्निंग में नौ बजे क्लास रहती है गोल्डन रूल की तो ये क्लासेस चलती हैं आपकी ये सब क्लासेस फ्री हैं आपके यूट्यूब पे ये सब क्लासेस आपकी फ्री हैं यूट्यूब पे हर एक क्लास में हर एक क्वेश्चन पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया जाता है जो बच्चे रेगुलर क्लासेस लेते हैं उनको पता होगा और जो बच्चे नहीं लेते हैं तो आप क्लासेस को जरूर ले एक बार क्लासेस लेंगे तो आपको चीजें अपने आप समझ आएंगी कि किस तरह से क्लासेस आपकी चलाई जाती है यूट्यूब पे ठीक है चलेगा अगर हम बात करें बच्चों कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बैच लेना चाहते हैं फाउंडेशन बैच तो आप बच्चे फाउंडेशन बैच को ले सकते हो जिसके अंदर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी फाउंडेशन बैच में क्या मिलेगा आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी उसके साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसको ई e बुक बोलते हैं आप यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे हर टॉपिक से रिलेटेड ठीक और उसके साथ साथ आपकी टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको हर एग्जाम के लिए आपके एम टी एस एग्जाम के लिए भी आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी और उसके साथ साथ आपको डाउट सेशन मिलेगा जो भी डाउट्स है तो उसके क्लासेस रहेंगे आपकी अगर मैं बात करूँ ये कोर्स आपको जो मिलेगा ये आपको थ्री नाइन नाइन में मिलेगा ये थ्री नाइन नाइन में मिलेगा कुछ लिमिटेड टाइम के लिए यानी कि 15 दिसंबर 2023 तक आपके लिए जो रहेगा थ्री नाइन नाइन रहेगा और उसके लिए आपको एक कूपन कोड को यूज करना है डबल एस थ्री डबल नाइन और आपको वहाँ पर ये कोर्स आपको मिल जाएगा इसके लिए आपको क्या करना है आप एस एस सी बुलेट ऐप को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर पर जाके और डाउनलोड करने के बाद जब आप उस ऐप को ओपन करेंगे तो वहाँ पर ये आपको कोर्स मिल जाएगा ठीक है अगर आपको कोई भी डाउट आती है आप पेड बैच के स्टूडेंट हैं या फिर नहीं भी हैं कोई भी डाउट आता है तो आप एनी टाइम इस नंबर पे कॉल कर कर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं कभी भी ठीक है और बाकी रेगुलर आप बच्चे क्लासेस जरूर लेते रहे मेरे साथ एस एस बुलेट पर जो भी लाइव क्लासेस मिलती हैं जो भी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं आप सभी बच्चों को सभी क्लासेस को लेना है क्योंकि हमें हर एक चीज को सीखना है हर क्लास में आप कुछ नया सीखोगे तो इसलिए हर क्लास को जरूर लिया करो क्योंकि इसमें मैं आपको एक चीज बताती हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे सोचते हैं कि सी पी ओ सीजीएल मतलब बहुत ऊपर एम टी एस का मतलब बहुत नीचे लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी नोटिस किया हो अगर आप पिछले दो साल के पेपर उठा लो तो मैं आपको बता दू सीजीएल में क्वेश्चन एम टी एस से भी ज्यादा ईजी है ठीक है तो आप ये मत सोचो कि एम टी एस का मतलब बिल्कुल लेवल डाउन है पता नहीं ऐसे ऐसे किस पैटर्न पे मतलब कैसे क्वेश्चन पेपर को सेट कर रहा है तो यहाँ पर क्या है कि वही क्वेश्चन सीजीएल में है वही क्वेश्चन एम में ऐसा तेईस में हो चुका है कि सेम क्वेश्चन सीजीएल में भी है सी में भी है वही क्वेश्चन एम में भी है तो आपको चाहे सी की क्लास मिले आपको सीजीएल की क्लास मिले आपको हर क्लास लेनी है क्योंकि वो कैबलरी और अगर मैं नेचर ऑफ़ एरर की बात करूँ तो वो रिपीट होता है घूम फिर वही चीज़ पूछी जाती है तो इसीलिए आपको हर क्लास को जरूर लेना है जो भी क्लासेस आपको यूट्यूब पे फ्री में दी जाती है ठीक है सो आई होप आपको हर एक पॉइंट एम से रिलेटेड समझ आ गया होगा कोई भी पॉइंट डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखें जो तो भी आपके सजेशंस हैं वो भी आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखें ठीक है और एनी टाइम अपने डाउट्स को आप इस नंबर पे पूछ सकते हो व्हाट्सएप कर दीजिए कॉल कर दीजिए जैसे भी आपको रहे कन्वीनियंट तो आप उस तरह से कर सकते हो ठीक है होप so, आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया सो so, आज के लिए इतना रखें तो थैंक यू स्टूडेंट बाकी इस तरह की चीजों को आप जरूर सीखते रहे मेरे साथ ऐसे बुलेट पे